नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग किंग चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नया वीडियो आपके साथ। जैसे कि हम आपको अपने बगीचे में लाकर तरह तरह के वीडियो दिखाते हैं और घिया पर हमारा काफ़ी फोकस रहता है, तो आज हम घिया की एक नई बेल हमने और लगाई थी। सर्दी का महीना 16 नवंबर 2023, इस सर्दी के महीने में हम घिया ले रहे हैं जहाँ पर घिया बिल्कुल नहीं मिलती और वो भी ऑर्गेनिक। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो हमने घिया तैयार की और ये ऑर्गेनिक है। ये अभी बेल लगाई थी 1.5 महीना पहले लगभग और आराम आराम से चली। इसकी खासियत क्या है, इसकी लंबाई देखिए कितनी है, अभी ये 1 फुट के प्लस हो चुकी है और देखते हैं ये कितनी लंबी जाएगी। ये देखिए, और ये छोटे वाली है, तो ये दोनों साथ साथ चल रही हैं। देखते हैं इसकी कितनी लंबाई होगी और इस घिया की क्या खासियत रहेगी, वो भी आपको बीच बीच में बताएंगे। सिर्फ गोबर खाद और पानी, उसके अलावा हम कुछ नहीं। गोबर खाद भी हम साल में एक दफ़ा इस ज़मीन में देते हैं, उसके बाद नहीं। सिर्फ हम पानी से ही इसको तैयार करते हैं। यह देखिए, जब भी ज़रूरत होती है थोड़ा पानी दिया और इस बेल में कितनी ग्रीनरी है। इस महीने में बेल होती नहीं, पर यह ऑर्गेनिक की ताकत है, प्राकृतिक रूप से हो रही है। देखिए इसका बूर, आपको बूर नज़र आएगा, देखिए कितना प्योर बूर है। और देखते हैं ये कितने दिन और इसका विकास होगा, कितनी ये लंबी जाएगी और क्या इसके गुण रहेंगे, वो भी आपको अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे। सिर्फ आपको एक ही उद्देश्य था, इस बार हमने एक नया वीडियो बनाया और इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते थे इस बेल के बारे में। और देखिए सर्दी में ये घिया, क्योंकि घिया मिलना बहुत मुश्किल है इन दिनों में सर्दी के, और फिर भी हमने घिया तैयार की। और इसकी हाइट कितनी जाएगी ये तो सोचने वाली बात है, आप ही देखिए। एक बुलंद, दो बुलंद और सवा दो बुलंद ये हो चुकी है। और देखते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।